शाब्दिक वाद से कुछ टाइम पहले गेम ऑफ थ्रोन्स बुक सीरीज की ऑथर मार्टिन ने कंफर्म किया था कि प्रेजेंट टाइम पे गॉट की करीबन 5 से 6 स्पिन ऑफ सीरीज पर काम चल रहा है, यानी कि वो एंड उनकी टीम उस टाइम पे इन सभी शोज के पायलट पे काम कर रही थी जो कि उन्हें लिख के HBO Max को सबमिट करने थे। और लकीली ये काम वो कब का कर चुकी है, आज से करीबन 4 से 5 महीना पहले, जिसके बाद HBO Max एंड उसकी क्रिएटिव टीम को इनमें से कुछ शोज को चूज करके उन्हें एक डेडिकेटेड शो के लिए प्लान करना था। हालांकि अगर बात करें उन सभी शोज के नाम के बारे में तो वो थे द सी स्नेक, टेल्स ऑफ डंकन एग, 10,000 शिप्स, जॉन स्नो सीरीज और कुछ एनिमे सीरीज जो की फोकस करती एसोस की फ्री सिटीज पर। पर अभी हाल ही में मार्टिन ने अपनी वेबसाइट पे ये रिवील किया है कि वो अभी के टाइम पे HBO Max के साथ गेम ऑफ थ्रोन्स के कुछ स्पिन ऑफ शोज पे काम कर रही है, जिनमें से कुछ शोज तो वैसे हैं जो कि अभी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी तक उन्हें ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, पर उम्मीद है कि जल्दी कर देंगे। और साथ ही कुछ शोज ऐसे भी हैं जिन्हें HBO Max ने शेल्व कर दिया है, यानी कि रस्ते से हटा दिया है। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता कि वो शोज कम्प्लीटली डेड हो चुकी हैं, अभी ना सही, पर फ्यूचर में उन पर काम वापस से चालू हो सकता है। एंड ये कहते हुए मार्टिन ने अपने ब्लॉग को एंड कर दिया, यानी कि यहाँ से फैंस ऐसा मान सकते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स के स्पिन ऑफ शोज पर काम जोरों से चल रहा है, बाकी अपना लक है कि किस पर शो बनेगा और किस पर नहीं। पर फिर भी अगर देखा जाए तो इस बात की हाईली चांस है कि जॉन स्नो की सीरीज को ग्रीन लाइट मिलेगी। बाकी आगे इनके बारे में जो भी अपडेट निकल के आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तब तक के लिए प्लीज कॉमेंट #GotSpinoff। अब अगर बात करें द विचर सीरीज के पार्ट 3 के बारे में, जिसकी फिल्मिंग शुरू हो गई थी 2022 मार्च में पर खत्म हुई सितंबर 2022 में, जिसके बाद इसके बारे में ये कहा गया कि ये शो हमें देखने को मिल पाएगा समर 2023 तक। एंड उस टाइम के बाद से ही इस सीरीज का पोस्ट वर्क चालू है, जिसे अभी तक पूरे 3 महीने बीत चुके हैं। और अभी हाल ही में शो की बॉस लॉरेन शिमिट हिस्ट्रीच ने सीरीज के बारे में ये रिवील किया है कि अभी भी इसके अंदर पूरे 7 महीने का पोस्ट वर्क बाकी है। अब क्योंकि आज से काफी टाइम पहले ही इस बात को कंफर्म कर दिया गया था कि इस बार पार्ट 3 पार्ट 2 एंड पार्ट 1 से काफी बड़ा होने वाला है स्केल वाइज, यानी कि अभी भी शो के अंदर VFX एंड CGI का काफी काम करना बाकी है। और इसीलिए अभी के टाइम पे इस बात की हाईली चांस बन रही है कि मे बी प्लेटफॉर्म इस सीरीज को अब 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता है, जो कि वैसे अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, बस शो की बॉस ने ऐसी आशंका जताई है। और बाकी अगर बात करें इसके प्लॉट के बारे में, जो कि मेनली फोकस करेगा वाइल्ड हंट के ऊपर, जिनका ओरिजिन कैसे हुआ वो हम पहले ही शो के अंदर देख चुके हैं, एंड इसकी आगे हमें पार्ट 3 के अंदर ही देखने को मिलेगा, जिसके लिए आप में से कौन कौन वेट कर रहा है तो नीचे #TheWitcher3 कमेंट करना मत भूलना। अब देखो अगर बात करें अवतार मूवी के पार्ट 2 के बारे में, तो अब जेम्स कैमरियन ये कह रही है कि अब अवतार दी वे ऑफ वाटर को ब्रेक इवन करने के लिए सिर्फ टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में आना है। एंड यहाँ से वो दूसरे शब्दों में ये कहना चाह रही है कि अब सिर्फ 1.5 बिलियन से काम चल जाएगा, 2 बिलियन की नीड नहीं है। एंड ऑलरेडी ये मूवी 1.38 बिलियन क्रॉस कर चुकी है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि अपने थर्ड वीकेंड में अवतार के पार्ट 2 ने 63.4 मिलियन की अर्निंग की है डोमेस्टिकली, विच मीन्स अपने ही घर में। और इसके बाद ऐसा कह सकती है कि अब ऑडियंस को अवतार का पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कंडीशन पूरी होने वाली है।